आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने अपने न्यू अपडेट पॉलिसी में कहा है कि कंपनी किसी को भ्रम में रखना नहीं चाहती, क्योंकि व्हाट्सएप क्रिएटर नई शर्तों को समझें और फिर सहमत हों। व्हाट्सएप ने स्वीकार किया है कि नई नीति से बहुत भ्रम पैदा हुआ है और साथ ही परिवर्तन के बारे में लोगों को बहुत गलत जानकारी मिली है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि वह 8 फरवरी को किसी के भी खाते को रद्द नहीं करेगा, यानी बंद नहीं करेगा। जानकारी के लिए हम आपको फिर बता दें, व्हाट्सएप 4 जनवरी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करता है और साथ ही इस महीने की शुरुआत में व्हाट्सएप ने अपने गोपनीयता नीति को अपडेट किया, जो कि 4 तारीख थी। और व्हाट्सएप सभी क्रिएटर्स को बताना चाहता था कि व्हाट्सएप ने क्या क्या बदलाव किए हैं। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप में न्यू पेमेंट अपडेट किया है, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिलती। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट होते ही सिग्नल ऐप को वरदान मिला और इस वरदान का फायदा उठाते हुए सिग्नल ऐप ने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया और उसने गूगल पर 3rd रैंक भी हासिल करी। सिग्नल ऐप पर यूजर्सों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए व्हाट्सएप में गिरावटी आई और व्हाट्सएप के मालिक जुकरबर्ग ने अपने सभी प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने की बात कही और ये भी कहा कि वो 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट रद्द नहीं करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।